अब लोकसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि जुबानी जंग भी तेज होगी। वैसे लोकसभा चुनाव का दंगल अब बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। राजनीतिक दल चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं अब तो प्रत्याशियों को लेकर अपने पत्ते भी खोलने लगे हैं। जहां सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने एक के बाद एक तीन प्रत्याशियों की सूची जारी की, तो वहीं अब दूसरी तरफ बीजेपी ने भी उत्तर प्रदेश की 51 सीटों के सस्पेंस से पर्दा उठा दिया। साथ ही एक बार फिर पीएम मोदी को वाराणसी से उम्मीदवार बना दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस चुनाव में कौन करेगा पीएम मोदी से मुकाबला। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 राज्यों की 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इस सूची में महिलाओं और युवाओं पर खासा फोकस रखा गया। वहीं खासा जोर उत्तर प्रदेश पर भी दिया गया। पार्टी ने वहां 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इनमें से 23 सीटें ऐसी हैं जिनमें समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सबसे कड़ी टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में जानते हैं कि राज्य की 23 लोकसभा सीटों पर दोनों पार्टियों के कौन से उम्मीदवार आमने सामने होंगे। यूपी की सबसे दिलचस्प सीटों में से एक बस्ती सीट है। वहां बीजेपी के हरीश द्विवेदी के सामने राम प्रसाद चौधरी होंगे, जो कि इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव में भी इन्हीं दोनों नेताओं के बीच कड़ा मुकाबला था। 2019 में हरीश की जीत हुई थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में बस्ती सीट मायावती के पाले में गई थी। इस वजह से राम प्रसाद को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर दूसरी सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने संबल सीट से शफीकुर रहमान बर्क को उम्मीदवार बनाया, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। वहीं बीजेपी की तरफ से परमेश्वर लाल सैनी उतारे गए हैं। एटा में देवेश शाक्य है। वहीं बीजेपी की तरफ से राजवीर सिंह। खीरी सीट से समाजवादी पार्टी ने उत्कर्ष वर्मा को उतारा, जबकि बीजेपी ने अजय मिश्रा टेनी को टिकट दिया। वही बात करें धरोहर की तो आनंद भदौरिया को सपा ने टिकट दिया, जबकि बीजेपी ने रेखा वर्मा को उम्मीदवार बनाया। वही उन्नाव में अनु टंडन समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से साक्षी महाराज मैदान में हैं। वही लखनऊ जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है, वहां से सपा ने रविदास मेहरोत्रा को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह उम्मीदवार हैं। वही फरुखाबाद सीट से डॉक्टर नवल किशोर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से मुकेश राजपूत को मौका मिला है। वही अकबरपुर सीट की बात करें तो यहां से समाजवादी पार्टी ने राजा राम को मौका दिया, जबकि बीजेपी ने देवेंद्र सिंह भोले को अपना उम्मीदवार बनाया। वही बात करें बांदा सीट की तो यहां से सपा ने शिव शंकर सिंह पटेल को टिकट दिया, जबकि बीजेपी की तरफ से आर के सिंह पटेल को मौका दिया गया है। वहीं फैजाबाद सीट की अगर बात करें तो यहां से सपा की तरफ से अवधेश प्रसाद को मौका मिला, जबकि बीजेपी की तरफ से लल्लू सिंह उम्मीदवार हैं। वहीं बस्ती की अगर बात की जाए तो यहां से सपा की तरफ से राम प्रसाद चौधरी उम्मीदवार हैं, जबकि हरीश द्विवेदी को बीजेपी से मौका मिला है। वहीं गोरखपुर सीट से काजल निषाद को मौका दिया है समाजवादी पार्टी ने, जबकि बीजेपी ने रवि किशन को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं मुजफ्फरनगर सीट की अगर बात की जाए तो यहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से हरेंद्र मलिक उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से संजीव कुमार बालियान को मौका दिया गया है। वहीं आंवला सीट की बात करें तो ये सीट सपा के खाते में गई है और यहां से नीरज कुमार मौर्य उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी ने धर्मेंद्र कश्यप को मौका दिया। वहीं शाहजहांपुर से राजेश कश्यप सपा के उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी ने अरुण कुमार को मैदान में उतारा है। वहीं हरदोई की अगर बात की जाए तो यहां से सपा की तरफ से उषा वर्मा उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी ने जयप्रकाश रावत पर दांव खेला है। वहीं मोहनलालगंज पर अगर बात की जाए तो यहां से सपा ने आर के चौधरी को मौका दिया, जबकि बीजेपी ने कौशल कुमार को मैदान में उतारा। प्रतापगढ़ की बात करें तो यहां से एसपी सिंह सपा के उम्मीदवार हैं, जबकि संगम लाल गुप्ता बीजेपी के प्रत्याशी हैं। गोंडा की अगर बात करें तो यहां से सपा ने श्रेया वर्मा को मौका दिया, जबकि बीजेपी ने राजा भैया को टिकट दिया है। वहीं अगर बात की जाए चंदौली की तो यहां से वीरेंद्र सिंह उम्मीदवार हैं, वो भी सपा के, और बीजेपी की तरफ से महेंद्र नाथ पांडे को मौका दिया गया है। मिश्रिख सीट की अगर बात करें तो यहां से रामपाल को मौका दिया गया, वो भी सपा की तरफ से। वहीं बीजेपी ने अशोक कुमार पर दांव लगाया। कैराना की अगर बात करें तो यहां से हसन को मौका दिया है समाजवादी पार्टी ने, जबकि बीजेपी ने प्रदीप कुमार पर दांव लगाया है। वहीं हमीरपुर सीट पर सपा की तरफ से अजेंद्र सिंह उम्मीदवार हैं, वहीं बीजेपी ने कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पर दांव लगाया है।
अब इन 23 सीटों पर दंगल छेड़ने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वाराणसी से बीजेपी ने एक बार फिर पीएम मोदी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन विपक्ष ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो सपा और बीएसपी किसे अपना उम्मीदवार बनाएंगे, ये चर्चा का विषय है। अब विपक्ष किस पर दाव लगाएगा, किसे पीएम के सामने उतारेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तो बीजेपी ने जिन 23 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया, वहां दिग्गजों की धड़कनें बढ़ी हुई है। सूबे की बची हुई 29 सीटों में से 5 सीटें सहयोगी दलों के हिस्से में जानी हैं और 24 सीटों पर बीजेपी को अपने उम्मीदवार तय करने हैं। 6 मार्च को बीजेपी ने फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई, जिसमें इन सीटों पर फैसला किया जाएगा। ऐसे में बीजेपी नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि माना जा रहा है कि इन सीटों पर मौजूदा हारे जीते उम्मीदवारों के टिकट पर तलवार लटक रही है। कहा जाता है कि बीजेपी अपने फैसलों से चौंकाती है। अब देखना होगा कि दूसरी लिस्ट में किसे मौका मिलता है और किसका पत्ता कटता है।